friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. जब दिवाली, the festival of lights, आसपास हो, ढूंढ रहे हैं कोई easy और affordable तरीका अपने घर को brighten या एक added glow create करने का? किसको नहीं चाहिए आने वाले much awaited festivities के लिए अपने घर को कुछ स्पेशल विजुअल इफेक्ट से सजाने को, या अगर आप काफी समय से अपने रूम के सेम लुक से बोर हो गए हों, तो अपने रूम को एक इंस्टेंट न्यू लुक देने के लिए एक बजट फ्रेंडली और हैसल फ्री डेकोर ढूंढ रहे हैं, तो इसे जरूर बनाएं। चाहे इन मिनी लैंटर्न्स के डीआईवाई को बनाने का रीजन कुछ भी हो, ये आपके पॉकेट पे बिना भारी हुए हर दिन आपके मूड को जरूर बेटर कर देंगे। स्टोर से खरीदने के बजाय इन्हें बनाने का एक ये फायदा है कि आप अपने पसंद के कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं जो आपके घर के डेकोर या पर्सनल स्टाइल को सूट करे। और जाते वक्त जब आपके गेस्ट होम डेकोर पे कॉम्प्लीमेंट्स दे, यू कैन ऑलवेज पैट योर बैक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अमेजिंग DIYs के लिए। तो चलिए देखें इन मिनी लैंटर्न्स को कैसे लाइट अप करें। इसके लिए आप अपने पसंद अनुसार कोई भी साइज के बलून्स लें। सबसे छोटे वाले साइज के लिए ये वाटर बलून्स लिया, हवा भरे पर ज्यादा नहीं, नॉट से सिक्योर कर दें। कोई भी कलर के वुल या यान ले, जैसे मैंने इन सब का मिक्स लिया है इस साल के दिवाली डेकोर से मैच करने के लिए। और ये सब सेम क्वांटिटी में चाहिए, रेगुलर ऑल पर्पस ग्लू, गर्म पानी और कॉर्न स्टार्च और एक मिक्सिंग बाउल। पहले कॉर्न स्टार्च में गर्म पानी मिलाएं, तुरंत स्पून से मिक्स करें ताकि लम्स ना हो जाए। आप ये DIY बिना कॉर्न स्टार्च के भी बना सकते हैं सिर्फ ग्लू और पानी से, पर मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगी कॉर्न स्टार्च मिलाने के लिए, जो ग्लू को थिक करने के साथ साथ वुल को ज्यादा फर्म और स्ट्रॉन्ग रखेगा। ये आप एंड में खुद ही देख सकते हैं। अब इसमें सेम क्वांटिटी ग्लू डालें, सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करें। याद से काम करने के जगह पेपर या प्लास्टिक से कवर करें। आप डायरेक्टली वुल को इस सॉल्यूशन में सोक करके बलून को रैप कर सकते हैं, पर ट्रस्ट मी, ये बहुत मैसी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी किचन से कोई रेगुलर कार्टन या पेपर कप यूज करें। ऐसे छोटे जूस कार्टन यूज कर सकते हैं अगर कम बलून्स के लिए चाहिए, पर मैं ऑलमोस्ट 70 बनाने वाली हूँ, इसीलिए ऐसे एक बड़े मिल कार्टन को एग्जैक्टो नाइफ से काटा और जितना नीचे हो सके उतना नीचे सुई से वुल को कार्टन में डालें। दूसरे साइड से पुल करने पर सॉल्यूशन मिक्स डालें, ताकि जब वुल इस ग्लू मिक्स से पास होगा, ग्लू सोक करने के साथ साथ इस होल से पास होते वक्त एक्सेस ग्लू अपने आप रिमूव हो जाएगा और जितना ग्लू चाहिए बस उतना ग्लू रहेगा। इस तरह वुल टैंगल होने के बजाय आसानी से मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा मैसी भी नहीं होगा। बलून के ऊपर वुल से एक नॉट बनाएं। यहाँ नॉट बनाने से पहले थोड़ा वुल एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, जिसे बाद में आप इन बलून्स को ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर मैं भूल गई इसीलिए बाद में अलग से सेपरेट पीस यूज़ करूँगी हैंग करने के लिए। बलून को रैंडमली रैप करें, ध्यान रखें ज़्यादा टाइट से ना रैप करें वरना स्लिप हो सकता है, और ना ही लूज रैप करें, बस इतना टाइट कि बलून में फिट हो जाए। थोड़ी देर इधर उधर ट्राई करें जब तक आपको वो स्टेबल ना लगे। रैप करते रहें जब तक आप चाहें। मैंने बलून का ऑलमोस्ट 60-70% रैप किया, और जब आपके मन चाहे लुक से खुश हो तब कैंची से काट दें और वुल के एंड को अंदर स्लाइड कर दें। जैसे कि पहले कहा था, इंडिविजुअल बलून्स के लिए मैंने ट्वाइन का सेपरेट पीस यूज़ किया।
आप आइदर एक स्ट्रिंग को दोनों चेयर से लटकाते हुए ड्राई करें या इस तरह दोनों दीवार पे थंब टैक्स यूज करके ड्राई करें। यूजुअली 4 से 5 घंटे में ड्राई हो जाता है, पर सेफ साइड के लिए मैंने ओवरनाइट रखा। जब सारा ड्राई हो जाए आप देख और सुन भी सकते हैं ये कितना टाइट और स्टर्डी है। और बलून को किसी पोकी ऑब्जेक्ट से पियर्स करें, ये वियर्ड साउंड करते हुए बलून इंस्टेंटली डिफ्लेट हो जाने पर आप सिंपली इसे बाहर निकाल दें और आपका पहला लैंटर्न तैयार। कभी कभार जब बलून डिफ्लेट होते वक्त अटक जाए तो कोई पॉइंटी ऑब्जेक्ट जैसे ट्वीजर या सीजर से आसानी से निकाल दें। अब लाइट्स को टाइट कैप में बेटर ग्रिप के लिए डालें। मैंने 2 बल्ब्स एक में डाला, आप 1 बल्ब एक में डाल सकते हैं या जिस तरह से चाहें उसी तरह से हैंग करें। किसी कारण अगर आपका मन चाहा गुल ना मिले तो हो जाने पर उसी कलर के स्प्रे पेन से पेंट कर दें। मैं इसी तरह प्रिफर करूंगी, सिंपल और फेस्टिव। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। जाने से पहले थम्स अप देना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर के कोई वीडियोस ना मिस करें। और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं कोई सजेशंस या रिक्वेस्ट हो, आज के वीडियो रिलेटेड व्यूज दें। थैंक्स अ लॉट इसे देखने के लिए। मेरे सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय।